हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। बोला है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन सभी नंबर्स का हमें निकालना है क्यूब। तो आप जानते हैं कि क्यूब निकालने के लिए क्या करना होगा। सिंपली हम जिसका क्यूब निकालना चाहते हैं उसको उसी नंबर में, मतलब कि खुद में ही 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स इट। मतलब कि यदि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको मल्टीप्लाई कैसे फास्ट करते हैं बस यही पता होना चाहिए, एंड यू विल डू बेटर इन दिस क्वेश्चन। लेट अस सॉल्व इट। फर्स्ट तो हमें यहां पर लिखना होगा क्यूब ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 क्यूब, मीन्स 7 to the power 3, एंड इट कैन बी रिटन एज 7 into 7 into 7। और यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जो है एक साथ केवल 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 7 7 49 मल्टीप्लाई जस्ट 7, 7 9 जा। ठीक ऐसे हम सबका करेंगे। ओके क्यूब ऑफ 12, सो वी विल राइट 12 क्यूब इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, एंड दिस विल बिकम, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 12 से तो मिलेगा हमें 144, क्योंकि हमें स्क्वायर पता है। तो 144 मल्टीप्लाइड बाई 12, और यहाँ से आ जाएगा 12 4 जा, मीन्स 1728 इज योर आंसर फॉर दिस वन। ओके थर्ड वन, 16 क्यूब ऑफ 16, we will write 6 cube and इसको हम expand कर देंगे तो मिलेगा हमें 16 into 16 into 16, and that will give you 16 times 16 करिए पहले तो 16 6 जा, so this is your answer। now the fourth one, cube of 16 21 is equal to, so 21 का cube यहाँ पर निकालेंगे तो मतलब कि बस मल्टीप्लाई कर देना आपको 21 into 21 into 21, और यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो तरीका यहाँ पर फास्ट मल्टीप्लाई करने का ये है कि ये जो 1 है और ये जो 1 है इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 into 1 क्या होगा, 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसको ऐड कर लीजिए, मीन्स 2 into 1 2 आएगा, प्लस इधर भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 into 1 2 आएगा, 2 2 ऐड कर लीजिए कितना मिला, 4 मिला, 4 ध्यान रख लीजिए। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब लास्ट में ये 2 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऐसे ऊपर नीचे, तो 2 into 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, मतलब कि आ गया हमारा 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 इज इक्वल टू 441। ओके तो हम यहाँ लिख सकते हैं 441 मल्टीप्लाइड बाई 21। अब यहाँ पर देखिए 441 मल्टीप्लाई करना है 21 से अगेन, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0 बस रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 1 में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, तो 1 1 जा 1 1 हो जाएगा। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए केवल 2 को लेकर के, मैंने ऐसे 441 और 21 में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई और ऐड कर लीजिएगा, तो 4 into 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 into 1 ये हो जाएगा 2। ओके अब अगर ना है कि दोनों को ऐड कर दीजिए तो मिल जाएगा आपको 6 6 यहाँ पर रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है ऐसे 4 को 1 से, इस 1 को 0 से, और इस 4 को 2 से। समझ में आ रहा है कैसे करना है, 4 को 1 से, 1 को 0 से, और 4 को 2 से, तो यहाँ मिल जाएगा क्या, 1 into 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 into 4 4 मिलेगा, प्लस 4 2 जा 8, 4 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके एंड 12 का हम रख देंगे यहाँ पर 2, एंड कैरी ओवर हो जाएगा 1। उसके बाद क्या करना है कि अब इधर के जो लास्ट के जो 2 पेयर्स बने हैं उसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें और इसमें, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो 4 2 जा 8 प्लस 4 0 जा 0, तो 8 प्लस 2 करेंगे क्योंकि यहाँ सॉरी 1 करेंगे, तो 1 यहाँ पे कैरी ओवर है तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 into 0 क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 4 into 0 कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, तो छोड़ देंगे कुछ नहीं होगा, 9261 हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ लिख देंगे 9261, दिस इज योर आंसर। यहाँ है 40 क्यूब ऑफ
40, देखिए बहुत आसान है यहाँ पर, तो हम लिख लेंगे 40 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 40। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर, तो केवल 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और 0 को रख लीजिएगा, 4 जा 16, 4 जा 64, तो 64 यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए 1, 2, 3 जीरोज हैं, रख दीजिए यहाँ पर 1, 2, 3, दिस इज योर आंसर। ओके, क्यूब ऑफ 55, क्यूब ऑफ 55 इक्वल टू हो जाएगा 55 का क्यूब इज इक्वल टू, ओके तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 से 55 में क्या मिलेगा, बस करना क्या है कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 100 करेंगे तो 100 के लिए तो बहुत आसान है, यहाँ पर हम पाँचवा कर लेते हैं, सॉरी सेवेंथ वन, और क्यूब ऑफ 100 तो लिखेंगे यहाँ पर 100 का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 सप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 ही रहेगा, और जीरोज को बस पुट कर देना है इसके 1 के सामने, मीन्स 2 जीरोज यहाँ के, फिर 2 जीरोज ये, फिर 2 जीरोज ये, मीन्स दिस मच इज योर आंसर। ओके, लाइकवाइज 3 एंड 2, 3 एंड 1, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में यदि मल्टीप्लाई करके आप देखते हैं तो देखिए क्या आता है, और जो भी आता है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ओके, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, इसका जो है क्यूब निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में ये कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।